Yeah,
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनी नन्दनाय विद्महे रामदासाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै विल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परिवेश्वर सांगायो सायुधायो सशक्तकायो सावानाय सपरिकराय मंडल मंडल देव सहिताय इस मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, बांकी बिहारी लाल की, राधा रानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, शव संतन की, शव भक्तन की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बेटा ये अपने आप डाउन होता है या करते हो? मशीन कौन सी है, रैम कौन सा लगा रखा है? गर्म होके हो जाती है, गर्म होके डाउन हो रहा है। रेंज में रखो बेटा, इससे थोड़ा हमें तकलीफ होगी ना। थोड़ा रेंज बढ़ा के रखो इसे। श्री राधे, शंकरं शंकराचार्यं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं कृष्णं द्वैतारायणं वंदे कृष्णं प्रीतासितं। आगंतुक महानुभाव पिता तुल्य बुजुर्गगण, आगंतुक महानुभाव पिता तुल्य बुजुर्गगण, सहोदर भ्राता, सत्संग पांडाल में पधारी हुई आदि शक्ति श्री राधा रानी स्वरूपा मेरी माता एवं बहने, पिता तुल्य बुजुर्गगण, सूक्ष्म रूप से पधारी हुई समस्त दैविक शक्तियां, सबको वंदन करते हुए प्रथम प्रणाम अपने माता पिता के चरणों में करते हुए अपने सिर पर सद्गुरुदेव भगवान के वरदहस्त को आभासित करते हुए अधिष्ठात्री जगत जानी ब्रजेश्वरी प्राणेश्वरी राजेश्वरी राधा रानी को हृदय में समाहित करते हुए हनुमान जी महाराज की छवि को नेत्रों में समाहित करते हुए माँ शारदा ने मेरी जिह्वा पर जो भी शब्द स्वरूप की प्रसाद दिया है वो आप लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। आशा करता हूं कि इसे श्रवण करके आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। यदि आप इसका अनुकरण करेंगे तो, और अगर अनुकरण नहीं करेंगे तो इसका कोई अभिप्राय किसी भी कार्य के शुभारंभ में पवित्रीकरण की आवश्यकता होती है। किसे कहते हैं पवित्रीकरण? क्या है पवित्रीकरण का अभिप्राय? क्या सिर्फ महामंत्रों के उच्चारण से हम पवित्र हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पवित्रीकरण मंत्रों से उच्चारण किया हरि ओम पवित्रं पवित्रो सर्वास्थानगतो भव स्मरेत कुंडलीं काक्षाय सावाह्याभ्यन्तरहसि। लेकिन मेरे भाई बहन, वास्तव में
पवित्रीकरण का अभिप्राय है अपनी आत्मा में देवत्व धारण करना। अगर आपकी आत्मा में देवत्व धारण नहीं होता है तो पवित्रीकरण का कोई अभिप्राय नहीं। कर्मकांड इत्यादि में, खोड़ उपचार पूजा विधि में पवित्रीकरण महामंत्र और जल से किया जाता है, पुष्प से अभिषेचित करके किया जाता है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में, श्री राम ज्ञान यज्ञ में, विष्णु सहस्त्र यज्ञ में यहाँ महामंत्रों का स्मरण करके किया जाता है, संकीर्तन करके। वही चंद्र कल हमारे साथ भगवान के गुणगान करेंगे, पुनः कथा को शुभारंभ करेंगे।